वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो इस प्रकार का बयान देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कानून के खिलाफ है। सूरज चांद तो रहेगा, वो हमें किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है सूरज चांद का क्या होगा, अब अपना देखिए। और हमें मालूम है 60 साल से लड़ाई शुरू है, और ये हमारे अधिकार की और हक की लड़ाई है। बेळगाव के साथ जो पूरा सीमावर्ती प्रदेश है महाराष्ट्र का, जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं, उनकी इच्छा से अगर महाराष्ट्र में आना चाहते हैं तो उनकी इच्छा का आदर होना चाहिए। अगर कोई दूसरे राज्य में बॉर्डर पे केरल हो या आंध्र हो, वहाँ कन्नड़ स्पीकिंग लोग हैं, कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं, और वो अपने राज्य में कन्नड़ में वापस आना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा का भी आदर होना चाहिए। देश एक है, हमने ये नहीं कहा कि ये कोई देश के खिलाफ कोई हमारे लोग वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, ये देश एक है और एक रहेगा। लेकिन अगर आपने लिंग्विस्टिक स्टेट भाषावार प्रांत रचना बनाई है तो अपने अपनी भाषा बोलने वाले लोग अपने अपने राज्यों में जाने का अगर इच्छा व्यक्त करती है तो न्यायालय, कानून और वहाँ की सरकार ने उनकी इच्छा का सम्मान रखना चाहिए। देशात काम करणारी 3 भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र लाइव्ह वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा, तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह रहा लाइव्ह अपडेट्सची निगडीत।